नमस्कार, देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद अपने अपने जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां पर प्रतिनिधि अब चुने जा चुके हैं और ऐसे में अब जो भी काम वार्ड का है उसकी भी शुरुआत हो रही है। इसी बीच में अब जम्मू के वार्ड नंबर 27 में, जो कि जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहां पर भी विकास कार्यों की आज शुरुआत की गई, जिसके तहत वहां पर टाइल्स बिछाने का काम शुरू किया गया। इस मौके पर इस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अरविंद गुप्ता, पूर्व कॉरपोरेटर सुरेंद्र सिंह शिंगारी के अलावा जो वार्ड है उनके कई गणमान्य अतिथि भी वहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान जो अरविंद गुप्ता हैं उन्होंने ये कहा कि काफ़ी पुरानी मांग थी लोगों की और टाइल्स ना बिछड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उन्हें पेश आ रही थी। हालांकि ये काम पहले भी शुरू किया गया था लेकिन ये काफ़ी पेंडिंग था जिसकी शुरुआत आज से हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी वादे उन्होंने अपने चुनाव के दौरान किए हैं वो सारे वादे वो ज़रूर पूरे करेंगे। हेलो, बस पाँच दो मिनट और दो मिनट। ये वार्ड नंबर 27 पे आज आना हुआ, मेरे साथ यहाँ के पूर्व में कॉरपोरेटर शिंगारी साहब, मेरे मंडल अध्यक्ष अतुल बख्शी जी, हरदेव जी और मेरे यहाँ पे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और यहाँ के इस कॉलोनी के लोग। ये काफ़ी देर से पेंडिंग डिमांड थी इनकी, काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट था जो रिव्यू में था। कुछ एफर्ट्स हमारे पुराने लोगों के थे, कुछ एफर्ट्स हमारे हैं, तो इसलिए ये काम लोगों को एक रिलीफ था। ये जब इलेक्शन के दौरान जब हम आए थे तो लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे टाइल वगैरह ये है, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट वर्क में था, ये काम पुराने लोगों ने एफर्ट किया हुआ था, तो आज मौका मिला है काम शुरू करने का। आपने देखा होगा कि वार्ड नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 39 सभी वार्डों में काम चल रहा है। हम जब जम्मू में, जम्मू वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंपेनिंग के लिए आए थे तो हमने कहा था कि हम विकास की तरफ ध्यान देंगे ना कि बाकी चीज़ों के लिए। हमने कहा था कि हम जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, उसी राह में हम लोगों के साथ चल रहे हैं। मेरी लोगों से साथ में अपील है कि जिस एरिया में ये काम होता है ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि साथ में होकर ये काम करवाएँ, काम की क्वालिटी और जो उसकी वर्क है काम का वो ध्यान दें। हम यहाँ पे काम शुरू करा के चले जाएंगे, उसके बाद ये काम अगर 10 साल के बाद आज ये टाइल्स वगैरह, टाइल वर्क या ड्रेनेज का काम हो रहा है, उसके बाद आने वाले 5 साल से पहले यहाँ पे कोई काम होने नहीं लगा। आपको जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो है आपको खुद चेक करनी है, आपको साथ होके जैसी आपको लेंस और ड्रेन चाहिए आपको साथ होके मिल के बनाना है। ठेकेदार तो काम कर रहे हैं और हमारे ऑफिसर्स भी हैं, ऑफिसर स्टाफ भी कम है, पर हर जगह काफ़ी पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफ़ी जगह पर काम लगे हुए हैं, हर जगह जाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए लोगों की साथ में अगर वो साथ में सहयोग रहेगा तो काम भी अच्छा होगा और काम जो एक बार अच्छा काम हो जाएगा तो काफ़ी देर तक आगे तक चलेगा। जो एफर्ट्स हम सब ने किए हैं कि एक काम शुरू हो जाए तो उस काम को सुचारू रूप से अच्छी तरह से हो, किसी चीज़ की जो काम कर रहे हैं उनको भी कोई कमी ना हो, सभी मोहल्ले वालों का एफर्ट होगा तो एक अच्छा काम होगा। चलो ये जरा ना लाइन कुछ काम सन, एक टायर सी, एक मीरपुर स्मारक से, एक पार्क जरा म्यूनसिपैलिटी पार्क है थले बख्शी का, तीन चार कम और रिपेयर के लिए आते पर, लेकिन एम एल ए साहब की असी बड़ा धन्यवाद करने हैं कि इन्होंने एफर्ट्स के नाल उस कम की गति मिली और कम जरा संपूर्ण होया। इन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि क्वालिटी और क्वान्टिटी सारे का एक मॉरल फर्ज बनता है कि सारे ध्यान दें और अच्छा काम होए। इतने साढ़े जिन्हों को ठेका ऋषि जी वो भी इतने मौजूद हैं, साढ़े म्यूनसिपैलिटी के अफसर सारे इतने मौजूद हैं,
एमएलए साहब एक सू प्रॉब्लम आती है एक आर एस मई मंदिर है मंदिर के बाहर ना कई बार जिसल कोई उठाला वगैरह या प्रोग्राम होंगे प्रोग्राम होंगे तो उतने एक ड्रेन है अगर गड्डी थोड़ी साइड पर लगी हो तो ट्रैफिक की ब्लॉक नहीं होती और काफ़ी टाइम तो असं उत्थे कोई 100-125 मीटर है उसकी वर्थ चौड़ाई की वो असी दिते म्यूनसिपैलिटी की काम के प्रोजेक्ट में रखे स्लैब नहीं सी असी जंगल रखे क्योंकि वो ड्रेन कभी साफ करनी पड़ती है वो की है कि गड्डी साइड पर लग जाती है तो ट्रैफिक जाम नहीं होंगी अदरवाइज जो बंद अंदर गए होंगे बाहर ट्रैफिक जाम होती है बड़ी दिक्कत होती है मैं रिक्वेस्ट करा कि उन्होंने अगर थोड़ा सा रैफर करो तो वह भी पाइपलाइन पेदा प्रोजेक्ट पेदा तो वह भी काम जरा हो जाए तो बाकी एक बार फिर सारे का बहुत बहुत जिन्हें भी इतने आए थे मैं नाम बोलाँगा तो टाइम लगेगा सब का बहुत बहुत शुक्रिया पूरे इतने लोकैलिटी के सर ये साड़ी बख्शी नगर की